तो नमस्कार, मेरा नाम दादा प्रधान। दोस्तों चले हम सीखेंगे बैकग्राउंड इरेजर के बारे में। हम बैकग्राउंड को हमारा अगर हटाना चाहते हैं और बैकग्राउंड हमारा ठीक नहीं है तो बैकग्राउंड को हम कैसे हटाएंगे उसी के बारे में जानेंगे और सीखेंगे, और दूसरा बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्त, फिर हम एक सॉफ्टवेयर खुलेंगे और सॉफ्टवेयर है ये बैकग्राउंड इरेजर। ठीक है दोस्त, ये देखिए, यहाँ हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक होने के बाद इसी को यहाँ लिखा है ना लोड फोटो, इसी में क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ क्लिक करेंगे। एक क्लिक होने के बाद मान लीजिए इनमें से कोई भी फोटो हम मैं निकलता हूँ, मान लीजिए ये फोटो को हम बैकग्राउंड हटाएंगे, ये फोटो को। ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ये हो गया, ये आ गया ऐसे। अगर ऐसे आ गया तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं, ठीक है, यहाँ डाउन लिखा है इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं डाउन में क्लिक कर देता हूँ। डाउन में क्लिक करने के बाद एक निशाना आ रहा है, ये देखिए, ये तो हमारा गर्दन भी काट गया और क्या बोलते हैं उसको, वो भी काट गया है हमारा, ये गेंजी है, टी शर्ट भी काट गया, इसलिए उसको नहीं काटने के लिए हम यहाँ निशाना आया है। देखो ये उंडो है, इसको बैक क्लिक करूँगा तो वो बैक हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखो कट गया, देखा है ना, अच्छा है ना। अभी हम यहाँ क्लिक करके देखिए, इधर ही ऑटो में, यहाँ ऑटो में क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिक वो क्या होगा, इरेजर हो जाएगा, कहीं भी छूट जाएगा तो हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, मैं ऑटो में क्लिक करूँगा और इसी को ऐसे घुमाऊँगा। देखा कैसे हट रहा है ना, देखा है दोस्त, देखिए हट रहा है ना, जहाँ लेके छोड़ेंगे वहीं हो वो हो जाएगा, कहाँ इरेजर हो जाएगा, है ना। देखिए, और इसको काटने के लिए देखिए, और थोड़ा थोड़ा रह गया, ये देखिए इधर रह गया, ये थोड़ा थोड़ा रह गया, इनको भी हम तो हटाएंगे ना, इसीलिए हम क्या करेंगे तो यहाँ मैजिक टूल में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ मैजिक टूल में क्लिक करेंगे, ठीक है, और मैजिक टूल में क्लिक करेंगे, हम उसको धीरे धीरे हटाएंगे। देखिए इस तरह इसको आराम से हटाएंगे, हैं इस तरह, देखिए इस तरह हटाएंगे। देखिए दोस्त आराम से अब ऐसे घुमा के हटा सकते हैं, है ना। देखिए अच्छी तरह से हट गया ना, कितना अच्छा लग रहा है।
और इसी से नहीं हुआ तो मैजिक से वो नहीं हुआ तो ठीक से ये मैनुअल से उसको हटा भी सकते हैं। मान लीजिए मैं रीडो करके दिखाता हूँ, सॉरी रीडो करके दिखाता हूँ, ये मान लीजिए ये शॉर्ट थोड़ा थोड़ा आ गया, ये रह गया, तो उसको हम कैसे हटाएंगे मैनुअल करके, ये मैनुअल, ठीक है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह से इसी तरह देखो देख इसी तरह हम हटाएंगे, ठीक है। और ये रिपेयर कलर है, आप चेक कर सकते हैं, ये ऐसे आता है तो ऐसे ऐसे ये ऐसे करके आप हटा सकते हो। ये मैनुअल का उतना काम नहीं है, हम रिडो करके कर देते हैं, ठीक है ठीक है। रिडो करेंगे तो वो हो जाएगा, फिर वो आ रहा है इसलिए हम इसी को फिर ऑटो कर देते हैं, ऑटो करके ऐसे फिर है ना, ये मैजिक टूल से हटेगा, ने मैनुअल से हटेगा, ये आपको ही वो जानकारी रखना है, मैनुअल से हटेगा इस तरह है ना, ठीक है। और इसी को और जूम भी कर सकते हो, और जूम भी कर सकते हैं, जूम करके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। इसका जूम कर जैसे करोगे ये जूम का काम नहीं कर रहा, और इसमें विंडो रिडो भी है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डन कर देता हूँ मैं, ये देखिए मेरा हो गया, फोटो तैयार हो गया। और यहाँ सेव लिखा है ऊपर, सेव क्लिक करेंगे है ना, और इसी को कलर आप ला सकते हैं, वन टू थ्री ये दबा के, ये देखिए इनमें से कौन सा ठीक रहेगा आप इसमें देख सकते हैं। मैं एक नंबर में कर दिया और यहाँ ऊपर सेव कर दिया, सेव, ये आपका गैलरी में सेव हो गया। और इसी को आप यहाँ से पूजा जो व्हाट्सअप स्टिकर, आप व्हाट्सअप स्टिकर में लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए व्हाट्सअप स्टिकर के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, इतना ज़रूरत नहीं है। हम बैक जाएंगे और हम पर्सनल स्टिकर के लिए तो डाउनलोड करने का डाउनलोड नहीं करेंगे, उसको कहीं उसमें दिखाएंगे, कहाँ बैकग्राउंड को लगा के अभी देखेंगे, ठीक है दोस्त। तो हम पिकार्ड्स में आ गया, अभी पिकार्ड्स को खोलेंगे, ये देखिए पिकार्ड्स, ये इसी को खोलेंगे और उसी एक कोई भी बैकग्राउंड में हम हमारा फोटो लगाएंगे, कितना अच्छा सुंदर लगेगा दोस्त, आप देखिए। और यहाँ से प्लस निशाना में क्लिक करेंगे है ना, ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गया। अब मान लीजिए हमारा हमारा इन्हें देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से चुन सकते हैं आप कोई भी आपका मर्जी से, एक बैकग्राउंड मान लीजिए ये लड़की के पास मैं वो बैकग्राउंड लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करके, ठीक है, यहाँ आठ फोटो लिखा है, यहाँ ऐड फोटो इसी में क्लिक करूँगा तो वो फोटो मेरा आएगा, ये देखिए ये है मेरा फोटो, यहाँ से फिर ये क्लिक करूँगा और ऐड वन में इसमें क्लिक करूँगा, ये फोटो आ गया मेरा, ये ऐसा से धीरे अच्छा बड़ा करके इसी के पास में ही लगा देता हूँ मैं, ठीक है।
नहीं तो यहाँ से लगाने से भी ठीक होगा, यहाँ से लगा देता हूँ मैं। इतने से लग रहा है ना, ये नज़दीक लगा दिया मैं। इस तरह आप सेट करते यहाँ से, फिर यहाँ इधर ठीक निशाना है, इसमें ठीक करेंगे हम। ठीक करेंगे तो ये गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इतना से नहीं, फिर भी काम है। फिर यहाँ से ऐसा स्क्रॉल करके जाएंगे और ये देखिए ड्रॉ लिखा है, यहाँ ड्रॉ लिखा है, यहाँ ड्रॉ लिखा है, इसमें ड्रॉ में क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ ड्रॉ लिखा है, यह ड्रॉ लिखा है, यहाँ से फिर इसी को क्लिक करेंगे, यहाँ सेव इमेज लिखा है, सेव इमेज यहाँ क्लिक करेंगे, है ना। सेव इमेज क्लिक करते ही वो हमारा यहाँ सेव हो गया। अभी बैक जाएंगे और इसी फोटो को देखेंगे, तो हम फोटो में क्लिक करेंगे हमारा, ठीक है। कहाँ गया, इधर नीचे, ये है नीचे फोटो में। ये देखिए फोटो इधर सेव हुआ है, देखिए दोस्त, अच्छा लग रहा है दोस्तों। ऐसे कोई भी आप बैकग्राउंड को हटा के किसी के सामने कोई सीनरी में इस तरह आप लगा सकते हैं दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपका दोस्तों को भी शेयर कर देना और लाइक बटन भी दबा देना दोस्तों। मैं रखता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।